नमस्कार दोस्तों, अशोक पटेल के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं रिलायंस जियो में ODSC साइड में या किसी भी ISC साइड में, वाईफाई साइड में, कहीं भी अलार्म गेटवे जो लगता है, जो कि ये दिख रहा है नया वाला अलार्म गेटवे, ये दिख रहा है, ये नया अलार्म गेटवे, इसका नाम है वी एन टी। ये न्यू अलार्म गेटवे आया है जिसका कॉन्फ़िगरेशन करते लोगों को भी नहीं वो हो रहा है, घंटों तीन तीन घंटे लग जाता है, जिससे कि हम शॉर्टली तरीके से हम आपको बताएंगे एकदम इसका कैसे कनेक्शन करते हैं, क्या इसका कलर कोडिंग है और कैसे इसको पोर्ट लाते हैं L2 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसका कनेक्शन बता देते हैं। ये हमने इंस्टॉल किया, ये देखिए अलार्म गेटवे VNT को हमने इंस्टॉल किया। इसका जो पावर है ये सबसे नीचे हम यहाँ पावर दे देते हैं, ये देखिए नीचे फेस है, ऊपर ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसके बाद ये जो कलर कोडिंग आपको दिख रहा है कि ऑरेंज है, वाइट ऑरेंज है, ग्रीन है, ग्रीन वाइट है, इसके बाद ब्लू है, ब्लू वाइट है, ग्रे है, ग्रे वाइट है, ये हमारा सेम SMPS में हम ये करते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए सेम, ये एक्यूरेट के SMPS है, और अगर दूसरा SMPS होगा तो उसमें अलग रहता है, तो ये एक्यूरेट के SMPS में हमने ये सिर्फ एक कनेक्शन कर दिया, ठीक है। अब इसमें ये चार पोर्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 पोर्ट। अब चार पोर्ट होते हैं तो इसमें पहले पोर्ट में लगाएंगे, और पहले पोर्ट से ये जो केबल है, ये देखिए ट्रेस के ये केबल है, L2 के 8वें नंबर पोर्ट पर लगा है। ये 8वें नंबर पोर्ट अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 8वें नंबर पोर्ट पर लगा है। तो ये हमारा अलार्म गेटवे कनेक्शन हो गया। इसमें सिर्फ एक हमारा पावर केबल लगता है, दूसरा हमारा SMPS से लेके अलार्म गेटवे का जो कलर कोडिंग वाला है, तीसरा है अलार्म गेटवे के 1 नंबर पोर्ट से L2 के 8 नंबर पोर्ट में हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि अलार्म गेटवे से लैपटॉप का कनेक्शन कैसे होगा। अब अलार्म गेटवे से लैपटॉप का कनेक्शन करने के लिए LAN केबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम इसके 1 नंबर पे ही लगाएंगे या 2 नंबर पे लगाएंगे। लेकिन इस अलार्म गेटवे में जो 1 से लेकर 4 तक पोर्ट होते हैं, उसमें से पहला नंबर बस ही इनेबल रहता है, और 2, 3, 4 हमें इनेबल करना पड़ता है। तो इनेबल करने के लिए हमें पहले 1 नंबर पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए हम अभी 1 नंबर पर लगाए हैं, तो हमारा इनेबल तो हो गया, हमने 2 नंबर पर लगाते हैं केबल, और इसको हम लैपटॉप में लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद इसका ये केबल जो दूसरा एंड है वो हम लैपटॉप में लगाएंगे, ये दूसरा नंबर केबल लैपटॉप में लगा दिया। ये जो बफो केबल है, लॉगिंग केबल, ये मैं आपको बता दिया हूँ कि टेकरूट L2 का ये कनेक्शन होता है ना, ताकि हम पुट्टी से भी चेक कर पाएंगे ना, सारा कनेक्शन करेंगे। इसके बाद ये हम लगा दिए। अब आपके हम बताते हैं सिस्टम पे कैसे हम इसको लॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अलार्म, ये VNT अलार्म गेटवे को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम लैपटॉप का IP चेंज करते हैं। लैपटॉप के IP चेंज करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम ये ईथरनेट में जाएंगे। ईथरनेट के बाद हम ये चेंज अडैप्टर में जाएंगे, ठीक है, और ये ईथरनेट में हम क्लिक करेंगे। ये VNT जो अलार्म गेटवे है, ये IPv4 में होता है। अब ये इसका प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके IPv4 में जाएंगे, और यहाँ फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, IPv4 में जाने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अभी देखिए इसका जो IP रहता है वो अलग रहेगा, और क्रोम में इसको ओपन करने का IP अलग रहता है, ठीक है। इसका IP रहेगा 192.168.1.109, ठीक है। नीचे क्लिक करेंगे तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद हम उसको ओके करेंगे, ओके, क्लोज क्लोज क्लोज, ठीक है, मिनिमाइज कर देंगे। अब हम क्रोम में जाएंगे। अब क्रोम में जाके इसको हम लॉगिन करेंगे, हमारा क्रोम खुल जाए, ओपन हो जाए। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे, ये हमारा क्रोम ओपन हो चुका है। थोड़ा सा ओपन होने में समय लग रहा है, आप इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए, और ज्यादा देर प्रतीक्षा करवाने के लिए खेद है हमें।
ठीक है, तो लैपटॉप आईपी हमने चेंज कर दिया है 192.168.1.109। अब इसमें हम लिखेंगे लैपटॉप में, अब क्रोम में लिखेंगे 192.168.1.110, इंटर मारेंगे। जैसे हम इंटर मारते हैं इसका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आता है। यूज़र आईडी एडमिन लिखते हैं और जो पासवर्ड है वो आप अपनी कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड जो है ना वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हर एक टेलीकॉम के लिए अलग अलग यूज होता होगा पासवर्ड। ऑर्बिट एट द रेट 2x2 ओ कैपिटल, ऑर्बिट एट द रेट 2x2, ये हो गया, ओपन हो गया। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 6-7 स्टेप। ये जो स्टेप देख रहे हैं, डैशबोर्ड डैशबोर्ड है, रिले कॉन्फ़िगरेशन है, आईपी सेटिंग है, डिजिटल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन है, अलार्म नेम सेटिंग है, ट्रैप सेटिंग है, टाइम सेटिंग है, ये सारा चीज़ हमें थोड़ा सा एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में बाद आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा। तो डैशबोर्ड हम ऑलरेडी हैं, ठीक है, अब हम रिले कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। ये देखिए हम कहाँ गए हैं, रिले कॉन्फ़िगरेशन में। अब रिले कॉन्फ़िगरेशन में बता दें, रिले 1 अलार्म है, रिले 2 अलार्म है, ठीक है। तो हम इसको बताते हैं कि कैसे क्या करते हैं। रिले 1 में जो रहेगा वो पूरा डिसेबल रहेगा, पूरा डिसेबल रहेगा। पूरा आप डिसेबल कर दीजिए और रिले 2 का पूरा इनेबल कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है। पहले हम रिले कॉन्फ़िगरेशन में गए और इसमें से हम ऊपर वाले रिले 1 को, रिले 1 के अलार्म को हम डिसेबल कर दिए, रिले 2 के अलार्म को हम इनेबल कर दिए और सेव कर दिए। रिले कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली सेव, ठीक है। अब दूसरा है आईपी सेटिंग। आईपी सेटिंग में हम गए, अब आईपी सेटिंग में जो है ना, आईपी सेटिंग में हम गए और आईपी सेटिंग में हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आईपी सेटिंग में सबसे पहले तो हम आईपी एड्रेस जो है वो हम 120 लिखेंगे, ठीक है। गेटवे जो है ना 192.1, ये ठीक है, और सबनेट मास्क भी ठीक है, और IPv6 एड्रेस जो है वो लास्ट में 431 रहेगा। कितना रहेगा? 431 रहेगा, ओके। और रिबूट डिवाइस हम डिसेबल रखेंगे, इनेबल नहीं रखेंगे, है ना, बाकी सब चीज वैसी रहेगा। और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है, आईपी सेटिंग में। अब डिजिटल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। डिजिटल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद सबका एनसी ही रहता है, ये सारा चीज़ इनेबल है और एनसी ही रहता है, है ना। सारे स्टेटस इसमें अलार्म है जो है ना, एसी पावर फेल है, डीसी लो है, बैटरी फ्यूज फेल है, ये सब इनेबल ही रहेगा, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा कौन सा अलार्म आ रहा है, क्या चीज़ की दिक्कत, एसी पावर ख़राब है कि डीसी पावर ख़राब है कि इन्वर्टर ख़राब है, क्या अलार्म है, इसलिए वो हमें इनेबल रहेगा और एसी रहेगा, एनसी रहेगा। तो हम सिर्फ सेव कर देते हैं। अब अलार्म नेम सेटिंग में हम जाएंगे और इसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अलार्म, इसमें ध्यान सुनिएगा, इससे आपका डिपेंड करता है कि आप जो अलार्म गेटवे लगा रहे हैं वो सक्सेसफुल वर्क करता है कि नहीं करता है। आप 952 मैक एड्रेस ला लेंगे, आप पिंग करवा लेंगे, सब चीज़ करवा लेंगे, नोड एड भी करवा लेंगे, लेकिन आपका जो अलार्म गेटवे है जिस लिए लगाया जा रहा है वो वर्क होता है कि नहीं होता, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं इसमें अलार्म नेम सेटिंग का।
तो सबसे पहले एसी पावर फेल, ठीक है। दूसरे अलार्म में क्या रहेगा, डीसी लो, ठीक है। तीसरे में क्या रहेगा, बैटरी फ्यूज फेल। चौथे अलार्म में इन्वर्टर फेल। पांचवे में एसी पावर फेल। पांचवे में क्या रहेगा, एसी पावर फेल रहेगा। तो ऊपर वाले कॉपी करो और पांचवे में एसी पावर फेल को पेस्ट कर दो, ठीक है। छठवें अलार्म में क्या रहेगा, यूपीएस फेल। UPS FAIL, ये। सातवें में क्या है, बैटरी हाई और बैटरी लो, ध्यान सुनना। बैटरी हाई रहेगा और बैटरी, आठवें वाला में बैटरी लो रहेगा, ठीक है। अब इसको हम सेव कॉन्फ़िग कर सकते हैं। आप ध्यान सुनिए, अलार्म में नेम सेटिंग में जाना है और ये चार चीजें करनी है अच्छे से, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। और इसके बाद ट्रैप सेटिंग। अब ट्रैप सेटिंग में मैं आपको थोड़ा समय ले रहा हूं, पर मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप अगर कभी ना किए हो तो भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रैप सेटिंग में सबसे पहला जो IPv4 ट्रैप वन है, उसमें जो रहेगा 110 रहेगा लास्ट में। ओ, ट्रैप सेटिंग में एक बार हम फिर से जाएंगे। ट्रैप सेटिंग में 110 रहेगा। ट्रैप टू में जो रहेगा वो 130 रहेगा, 192.168.1.130, 130 रहेगा। ट्रैप थ्री में, ट्रैप थ्री में 190 रहेगा लास्ट में। लास्ट में बाकी सेम रहेगा, लास्ट में 190 रहेगा। ट्रैप फोर में 125 रहेगा। आप इसको बार बार देखिएगा तब आपसे बनेगा। और ये IPv4 का था, ट्रैप वन, ट्रैप टू, ट्रैप थ्री, ट्रैप फोर। और IPv6 का, IPv6 का जो रहेगा वो पूरा हमें चेंज करना पड़ेगा। 200 ये आ गया, 201 कॉलम DB8 कॉलम, 3C4D कॉलम, 15 डबल कॉलम, ABCD कॉलम, EF4, ठीक है। और IPv6 का ट्रैप टू, IPv6 का ट्रैप टू क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। FE80, FE80 ये रहेगा डबल कॉलम के साथ। और FE80 इसमें भी FE80 डबल कॉलम, 445, ठीक है। अब ट्रैप फोर में क्या रहेगा, ट्रैप फोर में क्या रहेगा, FE80 डबल कॉलम, 450, ठीक है। ये हमारा ट्रैप में रहेगा। ये ट्रैप आईडी हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सही सही लिखना है। मैं इसको स्क्रीन को 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए मैं वीडियो में रोक रहा हूँ ताकि आप इसको देख लें और इसको आप लिख लें, नोट कर लें कि ट्रैप सेटिंग को भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है VNT अलार्म गेटवे में। VNT अलार्म गेटवे में IPv4 6 में, ट्रैप वन में 192.168.1.110 और ट्रैप टू में 192.168.1.130। वैसे ही आप ट्रैप IPv6 का भी देख लीजिए, मैं इसको रोक रहा हूँ स्क्रीन पे और अभी मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब हम जाएंगे टाइम सेटिंग। टाइम सेटिंग में जाएंगे, ये यस रहेगा। टाइम सेटिंग में क्या चेंज हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, 1 मिनट। ये NTP सर्वर IPv4 को हमें चेंज करना है। इसमें लिखना है 192.168.1.10, ये बस एक को हटाना है। और इसी में NTP सर्वर IPv6 में भी चेंज करना है, FE80 और डबल कॉलम 500, FE डबल कॉलम 500 ये लिखना है। और इसके जो पोर्ट है, पोर्ट लिखना है 123,
123 नंबर का पोर्ट लिखना है, और एनटीपी सिंक इंटरवल को जो लिखना है वो 100 लिखना है, था ऑलरेडी है। टाइम जो है वो मैं आपको टाइम बता देता हूँ, यहाँ पे टाइम चेंज करना है 9:21 कॉलम 3, ये ठीक है। और ये जो डेट है वो ऑटोमेटिक ले लेता है, एक्चुअली में टाइम भी ऑटोमेटिक ले लेता है, अब इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया टाइम सेटिंग वाला, ठीक है। अब ये मोडबस डेटा ये हम आपको बताने जा रहे हैं, मोडबस डेटा का क्या रहेगा। मोडबस डेटा में हम जो ये RS-485 मोडबस है इसको हमें सिर्फ डिसेबल करना रहता है, और डिसेबल करने के बाद हमें सेव कर देना रहता है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड में जाएंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, जब अपग्रेड करना होगा तब करेंगे। मोस्ट नाउ हम VLAN देखेंगे, VLAN सेटिंग ये अलार्म गेटवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको हम आपको बताएंगे। हम आपको अभी सब चीज़ बता चुके हैं, फिर हम एक बार दोहरा दूंगा, लास्ट में हम रिवाइज कर दूँ मैं कर दूंगा। VLAN सेटिंग में हम क्या करते हैं, ये पोर्ट होता है जो कि पहले एक मिनट, जैसा था मैं वैसे कर देता हूँ, है ना। VLAN जो पोर्ट होता है ना, वो पोर्ट पहले पहले से एक ही पोर्ट इनेबल होता है, जैसे कि ये पहला पोर्ट हो गया, बाकी पोर्ट डिसेबल होते हैं, और VLAN ID 952 होता है, और ये एक पोर्ट टैग होता है पहला और बाकी अनटैग होता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि सारे पोर्ट इनेबल कर देना है, क्योंकि हम कभी अगर पहला पोर्ट ख़राब हो गया दूसरे पोर्ट को यूज करना चाहे तो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, और सारे पोर्ट को हम टैग कर देंगे, SSH कर देंगे, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि VLAN ID चेंज करते हैं, जैसे 952 है, दो में 952 रखते हैं और दो में 852 रख देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 952 ही रखना है। अगर हम 852 करके सेव किए तो हमारा ये अलार्म गेटवे दोबारा लॉगिन होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको ये करेंगे, इसके बाद हम ये सेव कर देंगे, ठीक है। VLAN के बाद हमें साइड इन्फॉर्मेशन में जाना है। साइड इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, साइड आईडी रहता है जो भी आपकी सैप आईडी है, और दूसरा है साइड नेम रहता है, जो भी आपका नेम है, बबलू है, किरण है, जो भी साइड का नेम है वो आप भर के सेव कर दीजिए, ठीक है। मैंने सब चीज़ें आपको अलार्म गेटवे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको फिर से दोबारा रिवाइज करता हूँ, 2 सेकंड लगेगा, है ना। रिले कॉन्फ़िगरेशन में Relay 1 अलार्म में सबको पहले डिसेबल कर देंगे, और Relay 2 में सबको इनेबल कर देंगे, ठीक है। आईपी सेटिंग में आईपी एड्रेस में लास्ट में 110 रहेगा, और IPv6 में 431 रहेगा, इसके बाद सेव कर देंगे। डिजिटल इनपुट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसमें सबको इनेबल और सबको NC कर देना है। अलार्म नेम देखेंगे, जो अलार्म नेम सेटिंग है वो पहले से लेकर चौथा तक आप इसमें भरा रहता है, इसमें फिल रहता है, और 5वीं से लेकर 8वीं तक आपको भरना रहता है। 5वां जो है ना, AC पावर फेल, UPS फेल, बैटरी हाई, बैटरी लो, ठीक है। अब ट्रैप सेटिंग में इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, है ना, कुछ चीज़ें फिलअप रहती हैं, कुछ चीज़ चेंज करने रहता है, तो आप इसका फ़ोटो खींच लीजिए, आप इसको इस ट्रैप आईडी को फ़ोटो खींच लीजिए, और आप फिर इसके बाद उसमें भरिए, ठीक है। अब टाइम सेटिंग का जो है ना, कि हम पुट्टी में जाएंगे और वो हमें वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब हम आते हैं VLAN सेटिंग में देखिए, पूरा इनेबल, हमारा रिफ्रेश करने के बाद भी पूरा इनेबल है, इसका मतलब हमारा सब सही है, ओके है, ठीक है। तो अब हम पुट्टी में आते हैं, और पुट्टी में जाके देखते हैं कि हमारा पोर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, हम पुट्टी में गए, पुट्टी में ये
ठीक है, इसका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है वो हम डालेंगे। जब ये एरो ग्रेटर देन आ जाता है ना तो हमें इनेबल लिखना रहता है। ये मैं टेकरूट के L2 के जो निप डाला हूँ उसमें बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें मैं दिखाऊंगा 952 में अलार्म गेटवे का 8 नंबर पोर्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो विशाल, विशाल वो अलार्म गेटवे में लगा दो। हेलो हाँ, काला वाला केबल लगा दो। हाँ बिल्कुल, ये सो मैक एड्रेस टेबल, ये हमारा एक कमांड है। टेकरूट में मैक देखने के लिए हमारा एक कमांड है, ये हम लगा दिए। अब इसमें देखिए, देखिए अभी 8 नंबर नहीं आ रहा है, पर ये आएगा। हमें और ये करते हैं कॉन्फिग, एक और कमांड डालते हैं SFP मोड कॉपर करके, वो कमांड डालते हैं, इसके बाद देखते हैं। INT G0/8 ये तो नॉर्मल कमांड है ना। इसके बाद क्या करते हैं, SFP-mode copper ये कमांड डालेंगे जैसे, और एक बार नो शट डाउन कर देता हूँ। विशाल, विशाल तुम केबल लगाए कि नहीं लगाए? केबल लगा दिए हूँ सर। कौन सा केबल लगाया हूँ? वही काला वाला। हाँ सर, काला वाला नहीं आ रहा। पोर्ट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, पोर्ट नहीं आ रहा है। पोर्ट नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, ये हरा वाला केबल लगाओ। कहाँ पे लगाओगे? L2 के 8 नंबर में और अलार्म नेगेटिव के 1 या 2 नंबर किसी में भी लगाओ, लगाओ जहाँ पोर्ट आए। हाँ लगाओ लगाओ, अभी सभी नेबल है, कहीं भी लगा सकते हो, 1 नंबर पे लगाओ। लेकिन हाँ लैपटॉप से निकालोगे तभी तो लगाओगे ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। इसमें पोटा पा रहा है, मतलब इसमें खराबी है, तुम्हारे केबल में खराबी है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा 8 नंबर पोर्ट में आ गया अलार्म गेटवे। कैसे आया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 8 नंबर पोर्ट पे हमारा आ गया मैक, ये ठीक है 0DD1। ये हमारा मैक 92 952 और ये पोर्ट नंबर 8।
ठीक है हमारा, जबकि स्मॉल सेल के भी आ रहा है, ये 603 वाला जो रहता है वो स्मॉल सेल का रहता है, ये देखिए 4 नंबर पे, और एक 3 नंबर पे भी आया स्मॉल सेल का, 603 में देखना ना, VLAN 603 और पोर्ट नंबर 3 हमारा सब आ रहा है, 585 हमारा आ रहा है, ये देखो 1 नंबर पे सारा चीज़ हमारा आ रहा है। तो ये हमने कर दिया। अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि इसमें क्या क्या करना रहता है। VLAN में हमें VNT में जाके लॉगिन करना रहता है, नॉर्मल यूजर आईडी पासवर्ड डालना रहता है ना, और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, नॉर्मल जाना रहता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे 2-3 कमांड चलाने रहते हैं, जो कि मैं बताया कि 8 नंबर टेकरूट में अगर हम डाल रहे हैं तो टेकरूट में एक SFP डैश मोड कॉपर स्पेस कॉपर, ये हमें कमांड चलाना रहता है कॉन्फ़िग हैज में। ये जैसे हम चला लेंगे, इसके बाद हमारा ये जो 8 नंबर का पोर्ट है, केबल आपका सही होना चाहिए L2 के 8 नंबर से और VLAN के, ये अलार्म गेटवे के 1 नंबर या 2 नंबर, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमने चारों पोर्ट को इनेबल एंड टैग कर दिया है, आपके सामने किए थे VLAN सेटिंग में, तो वो हम करने के बाद हमारा पोर्ट नंबर 8 आ जाता है, ये देखिए हमारा आ गया है, और अब आप चेक करवा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और आप प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे कि सबको फ़ायदा हो इससे, और नया अलार्म गेटवे है, सबको सहूलियत हो। थैंक यू, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हाँ, कृपया कीजिए, आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ये वीडियो मिल सके और उनकी हेल्प हो सके। और आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद अशोक पटेल के चैनल में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऑटोमेटिक टाइम